हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम फेसियल की बात करेंगे। जी हाँ, यानी कि आप सबको पता ही है कि हम सब फेसियल करवाते हैं। मतलब हम, जाहिर सी बात है, फेसियल करवाने से हमारी स्किन पे ग्लो आता है, जो भी हमारे स्किन पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होती हैं, हमारे स्किन पे एक अच्छा ग्लो आता है, स्किन टोन भी थोड़ा सा लाइट होता है, चमक आती है, हेल्दी रहता है हमारा स्किन, और साथ में एंटी एजिंग भी ये प्रोसेस है जो फेसियल का प्रोसेस है, यानी कि हमारे स्किन की जो एजिंग है उसे भी रोकता है या स्लो करता है। तो फेसियल तो हम सबको करवाना ही चाहिए गाइस, कम से कम 2 महीने पे एक बार तो बिल्कुल करवा ही लेना चाहिए। कुछ लोग तो बोलते हैं 1 महीने में एक बार करवाइए, बट नहीं, लेट से लेट आप 2 महीने में एक बार करवा सकते हैं। तो फेसियल तो करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और हम सब पार्लर जाते भी हैं अपने लुक को इन्हेंस करने के लिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पार्लर में। बट बात यह है कि पार्लर तो हम चले जाते हैं गाइस, बट हमें ये समझ में नहीं आता कि हम कौन सी फेसियल करवाएं, और कोई सी भी करवा के चले आते हैं। जी हाँ, हम सब महिलाएं, लेडीज़ जो हैं, लड़कियां जो हैं, अधिकतर बहुत सारी लेडीज़ लड़कियां जो हैं वो कंफ्यूज रहती हैं कि कौन सी फेसियल उनके लिए सही रहेगी, और वो जाती हैं कोई भी फेसियल करवा के आ जाती हैं, और ग्लो तो ठीक ठाक आ ही जाता है, तो वो सेटिस्फाइड भी हो जाती हैं। बट कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स भी स्किन पे हो जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग फेसियल नहीं करवा रहे हैं, या आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग आपने फेसियल नहीं करवाई तो आपको प्रॉब्लम बढ़ गई। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाइस कि पार्लर जाकर आपको कौन सा फेसियल करवाना है। जी हाँ, अगर आप पार्लर जाएं तो कौन सा फेसियल आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ, गर्ल्स टॉक के वीडियोस लाती हूँ, साथ में रिव्यू वीडियोस भी लाती रहती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस फ्रूट फेसियल की। जी हाँ, जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है फेसियल का वो होता है फ्रूट फेसियल। जी हाँ, अगर आप पहली बार फेसियल करवाने पार्लर में जा रहे हैं, या फिर आपकी बहुत यंग एज है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जस्ट आप कॉलेज गए हैं, इस तरह की कोई बात है, तो आप फ्रूट फेसियल करवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रूट फेसियल जो है गाइस, अगर आपकी स्किन एजिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, यंग एज में आप हैं, तो फ्रूट फेसियल आपके लिए काफ़ी सेफ है। फ्रूट फेसियल जो है गाइस, वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को हटाता है, रिमूव करता है, स्किन को ग्लो देता है। हर स्किन टाइप के लोग ये फेसियल करवा सकते हैं, मतलब ऑयली हो, ड्राई हो, या फिर नॉर्मल स्किन हो, या फिर इवन सेंसिटिव स्किन हो, अगर आप कोई ब्रांडेड अच्छा फ्रूट फेसियल चुनते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप ब्लैक हेड, वाइट हेड्स की वजह से, या फिर अपने कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, हेल्दी ग्लो चाहते हैं अपनी स्किन पर, तो आप फ्रूट फेसियल करवाइए। फर्स्ट टाइम करवा रहे थे तो डेफिनेटली फ्रूट फेसियल आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा गाइस, गोल्ड फेसियल। जी हाँ, अगर आपकी स्किन से बिल्कुल लाइट चली गई है, ग्लो चला गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी स्किन पे कोई भी लाइट नहीं है, रौनक नहीं है, बिल्कुल आपकी स्किन डल लगती है, बुझी हुई लगती है, तो गोल्ड फेसियल आप करवा सकते हैं। गोल्ड फेसियल आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। बिल्कुल बेजान हो चुके स्किन के लिए गोल्ड फेसियल बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आप गोल्ड फेसियल करवाते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल चमकने लगेगी, आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, तो आप चाहें तो आप गोल्ड फेसियल करवा सकते हैं। और ब्राइड हैं अगर, दुल्हन है, तो भी गोल्ड फेसियल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर अगर आपके यहाँ शादी है तो भी गोल्ड फेसियल आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट में जो चमक है वो बहुत अच्छी आती है गोल्ड फेसियल की। नेक्स्ट है गाइस सिल्वर फेसियल। जी हाँ, तो अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप फेसियल करवाने जाते हैं तो चेहरा तो चमकने लगता है, बट पोर्स वगैरह थोड़े बड़े हो जाते हैं, स्किन और ज़्यादा ऑयली लगने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेसियल का जो प्रोसेस है गाइस, उसमें बहुत बार मॉइस्चराइजेशन वगैरह इंक्लूड होता है, फेस को मॉइस्चराइज करना है, और इस तरह की बहुत सारी ऑयल्स वगैरह अप्लाई करना, सीरम अप्लाई करना, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो और भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और पोर्स बड़े हो जाते हैं। बट जो सिल्वर फेसियल है वो आप कह सकते हैं कि ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं स्किन को मॉइस्चराइज नहीं किया जाता, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिल्वर फेसियल करवाते हैं गाइस, तो काफ़ी डीपली आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्लीन होते हैं, साथ में आपकी स्किन को जो है वो एक चमक मिलती है, लाइट मिलती है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं, तो आपकी स्किन भी साफ और चिकनी हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप कोई और फेसियल मत करवाइए, सिल्वर फेसियल करवाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अच्छा गाइस, पर्ल फेसियल। जी हाँ, पर्ल फेसियल जो है वो स्पेशली जाना जाता है आपकी स्किन का जो टोन है उसे थोड़ा लाइट करने के लिए। गोरा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, बट अगर आपकी स्किन टैन हो गई है और आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो पर्ल फेसियल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ऑयली स्किन वाले जो हैं वो पर्ल फेसियल करवा सकते हैं। पर्ल फेसियल भी बिल्कुल सिल्वर फेसियल की तरह काफ़ी सेफ होता है, आपकी स्किन को चमक देता है, ब्राइट करता है, जो भी डलनेस वगैरह टैनिंग की वजह से आ गई है उसे हटाता है, और ब्लैक हेड व्हाइट हेड ये सब को तो क्लीन करता ही करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन टोन थोड़ी सी इम्प्रूव हो तो पर्ल फेसियल करवाइए, उससे जो भी टैनिंग वगैरह है, जो भी गंदगी धूल आपकी स्किन पे है वो आराम से निकल जाएगी। नेक्स्ट है गाइस, एंटी एजिंग फेसियल। जी हाँ, 30 के ऊपर के अगर आप हो चुके हैं गाइस तो आपको हर 3 महीने में एंटी एजिंग फेसियल करवाना ही चाहिए। किसी भी फेशियल के बारे में मत सोचिए, आप एंटी एजिंग फेसियल करवाइए, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एंटी एजिंग जो फेसियल होते हैं गाइस, वो अगर आप करवाते हैं तो वो आपकी स्किन में कोलेजन की जो है आप कह सकते हैं मात्रा बढ़ा देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे झुर्रियाँ और झाइयाँ जो है वो कम आएंगी, या फिर आना बिल्कुल स्लो हो जाएंगी, या फिर लेट से आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा यंग बनी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप 30 के ऊपर हैं तो 3 महीने पर एक बार ज़रूर एंटी एजिंग फेसियल करवाइए। एंटी एजिंग फेसियल ही आपके लिए बेस्ट होगी। फिर अगर कोई शादी वगैरह है तो आप गोल्ड फेसियल, सिल्वर फेसियल ये सब करवा सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस डायमंड फेशियल की। तो डायमंड फेशियल जो है ये भी बिल्कुल शादी वगैरह के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। बहुत चमकती है आपकी स्किन, ग्लो आता है आपकी स्किन पे। बस शर्त यही है कि अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है तो आप डायमंड फेशियल करवाइए, और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई या नॉर्मल है तो आप गोल्ड फेशियल करवाइए, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। डायमंड फेशियल से भी बहुत ही अच्छा लुक आता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा चमक आती है आपकी स्किन पे, डीटेन हो जाता है आपका जो स्किन है, कोई भी टैनिंग वगैरह है वो हट जाएगी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड तो हट ही जाते हैं। साथ में एक अच्छा सा नेचुरल ग्लो आता है आपकी स्किन पे, एक चमक आती है जो बहुत अच्छी लगती है। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर ऑयली आपकी स्किन तो आप डायमंड फेशियल करवाइए, कोई भी बड़े ओकेज़न में, वेडिंग वगैरह में, या फिर आपके घर में वेडिंग है कुछ भी। और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप गोल्ड फेशियल करवा सकते हैं। हमेशा ही फेशियल अपने स्किन टाइप, अपने एज के अकॉर्डिंग ही चुनिए गाइज, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जरा से भी आपकी स्किन पे एजिंग वगैरह दिखना स्टार्ट हो गई है तो एंटी एजिंग फेसियल चुनिए। अगर स्किन पे टैनिंग हो गई है तो वैसी फेसियल चुनिए जो टैन वगैरह हटाए, जैसे कि मैंने आपको सिल्वर फेसियल बताया, पर्ल फेसियल बताया। तो अपने आपके स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उस अकॉर्डिंग आप फेशियल रेगुलर बेसिस पे करवाते रहेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो होना बंद हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे या देर से होंगे। हाँ, बस शादी पार्टी के लिए आपको फ्रूट फेशियल, पर्ल फेशियल, इन सब को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। गोल्ड फेशियल, डायमंड फेशियल करवा सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और फर्स्ट टाइम के लिए फ्रूट फेशियल बेस्ट है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप गाइज कि अब आप पार्लर जाएंगे तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे कि आपको कौन सी फेशियल करवानी है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आई होप ये वाली मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है गाइज, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिएगा और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।